हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी खास चुनावी पेशकश यूपी किसकी में। पिछड़ों ने दुत्कारा तो दलितों का सहारा, योगी के दलित प्रेम पर क्यों उठे सवाल और यूपी में आज क्या हुआ चुनावी बवाल, किस नेता ने टिकट ना मिलने पर सुसाइड करने की कोशिश की और किस दंगे के आरोपी ने कहा कि हमारी पार्टी में दंगा रोकने वाले लोग आते हैं, क्या है यूपी के चुनावी अपडेट, मैं आपके सामने हाजिर हूं यूपी किसकी लेकर यूपी की टॉप 10 पॉलिटिकल खबरों के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर ये है कि साइकिल पर सवार हुए हैं दारा सिंह चौहान। बीजेपी के बिखरे कुनबे से आज एक और मंत्री साइकिल पर सवार हो गए। योगी के सात मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। साइकिल पर सवार हुए दारा सिंह चौहान। ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, साथ तो सबका लिया लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। योगी के साथी ने खोली योगी की पोल। अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। यूपी चुनाव में बीजेपी को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी के मंत्री दारा सिंह चौहान भी साइकिल पर सवार हो गए हैं। आज लखनऊ में सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान और बीजेपी विधायक आर के वर्मा ने सपा की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान योगी पर फायर हो गए। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, साथ तो सबका लिया लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। हमेशा लालच देकर के जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। आज जिस तरीके से पिछड़े समाज के, जिस तरीके से टीचर भर्ती ने आपने देखा, कई महीनों से जाड़ा बरसात गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिनकी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है। एक नहीं 28 संगठनों के लोग आज जाके देख लिए इको पार्क में, आज कई महीनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। दारा सिंह चौहान ने यह भी कहा कि योगी राज में सिर्फ दलित पिछड़े ही नहीं बल्कि ब्राह्मण भी परेशान हैं। दारा सिंह चौहान ने अखिलेश की जीत का भी ऐलान किया। केवल पिछड़े दलित, नौजवान और किसान ही नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा करके इस देश के भाग का फैसला करने का संकल्प ले लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो देश की सियासत को प्रदेश में बदल ले। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनने को रोक पाएगा। अखिलेश ने भी दारा सिंह चौहान की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि दारा सिंह को साथ लाना है। मैंने उसी समय मन बना लिया था कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो नेताजी ने काम शुरू किया था उस काम को पूरा कर करके उससे भी अच्छी एक लायन और एनिमल सफारी बनाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब आप मंत्री की हैसियत से उसको उद्घाटन करने गए, और अगर आप नहीं चाहते तो शायद उद्घाटन नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहां एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रही। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लायन सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लाइन सफारी बनी। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए।
डैमेज कंट्रोल में चले गए तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पत्रकार साथियों, सवाल इधर उधर वाले मत करो। अंग्रेजी की कहावत है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, हमें तो उसी दिन अच्छा लगा था कि जब आपने लायंस सफारी का उद्घाटन किया और वो काम भी आगे बढ़ाए जो कभी समाजवादियों ने काम किए थे। बीजेपी के 3 मंत्री और 7 विधायक सपा में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अखिलेश ये साफ कर चुके हैं कि अब वो बीजेपी के और नेताओं को सपा में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि सपा का कुनबा मजबूत होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने जिन पिछड़ों की बदौलत 2017 के चुनाव में सत्ता हासिल की थी, अब उनका किला दरकने लगा है, वहां पर सेंध लग गई है। तमाम जो पिछड़ी जातियों से आने वाले नेता हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दारा सिंह चौहान, केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बदल रहे हैं, जिससे योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर हमला बोला है। एक तरफ अखिलेश योगी आदित्यनाथ के किले में सेंध लगाने में जुटे हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी आक्रामक हो गए हैं। योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा में अपराधियों को टिकट देने का चलन है और हमारे यहाँ तो राम राज्य वालों को टिकट मिलता है। योगी ने अखिलेश पर बोला हमला। पेशेवर हिस्ट्री शीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। अब उम्मीदवारों पर होगी आर पार। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ को अखिलेश ने जिस तरह से जबरदस्त झटका दिया है, उसकी उदासी उनके चेहरे पर भी झलकने लगी है। योगी परेशान नजर आते हैं और योगी गुस्से में नजर आते हैं। गुस्सा इस बात का कि अखिलेश ने उनके कुनबे को तोड़ दिया, और परेशानी इस बात की कि कहीं यूपी का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना भी ना टूट जाए। यही वजह है कि अब योगी भी हमलावर हो गए हैं। गोरखपुर में कोविड सेंटर का दौरा करने के बाद जब योगी मीडिया के सामने आए तो अखिलेश के उम्मीदवारों को अपराधी कह दिया। यही नहीं, योगी ने ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए पलायन का मुद्दा भी उछाल दिया। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। योगी आदित्यनाथ दूसरी पार्टियों के नेताओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके यहाँ क्या चलन है, कितनी जो टिकटें हैं वो किस जाति के नेताओं को मिली है, उस पर बात करते हैं। और तीसरी खबर भी यही है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सवर्णों को टिकट दिए हैं, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो अन्य दलों के उम्मीदवारों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की पार्टी ने सामाजिक न्याय की अनदेखी की है। बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन टिकट देने के मामले में उसे सबसे ज्यादा सवर्ण ही प्यारे लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है, समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ
भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। योगी सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ सामाजिक न्याय की बात करते हैं। योगी ने सामाजिक न्याय की बात की है तो हम भी दोहरा देते हैं, सामाजिक न्याय का उसूल है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन योगी शायद सामाजिक न्याय की अलग ही परिभाषा निकाल रहे हैं। योगी ने चंद जातियों को उनकी आबादी के लिहाज से भी कई गुना ज्यादा टिकट बांट दिए हैं। देखिए क्या है बीजेपी के अब तक घोषित हुए उम्मीदवारों का जातीय समीकरण। बीजेपी अब तक 107 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 43% सवर्णों को टिकट दिया है। बीजेपी पहले और दूसरे चरण की 107 सीटों में से 17 सीटों पर ठाकुर, 10 सीटों पर ब्राह्मण, 8 सीटों पर वैश्य, 3 पर पंजाबी, 2 पर त्यागी और 2 कायस्थ वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। यानी महज 15% आबादी वाले सवर्णों को 44% टिकट दिए जा चुके हैं। बीजेपी ने अब तक सिर्फ 16 जाट, 7 गुज्जर, 6 लोधी, 5 सैनी, 2 शाक्य, 1 खड़ागवंशी, 1 मौर्य, 1 कुर्मी, 1 कुशवाहा, 1 प्रजापति, 1 यादव और 1 निषाद वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दी है। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 13 उम्मीदवार जाटव वर्ग से हैं, 2 वाल्मीकि, 1 बंजारा, 1 धोबी, 1 पासी और 1 सोनकर वर्ग से है। अब सवाल उठता है कि योगी किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? क्या आबादी के लिहाज से दलितों पिछड़ों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? 2017 में बीजेपी ने गैर यादव और गैर जाटव जातियों को हिंदुत्व के नाम पर भगवा रंग में रंग दिया था और सत्ता हासिल कर ली थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पिछड़े बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए अब बीजेपी को दलितों की याद सता रही है। बीजेपी दलितों पर डोरे डाल रही है और चौथी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने योगी के दलित प्रेम पर तंज कसा है। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा कि वो चुनावी खिचड़ी तो खा रहे थे लेकिन बिल्कुल बेमन से। योगी के दलित प्रेम पर अखिलेश का वार। इतने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा। चुनावी खिचड़ी पर कसा तंज। वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे। यूपी में पिछड़ों का भरोसा खो चुकी बीजेपी अब दलितों को लुभाने के लिए चुनावी खिचड़ी खा रही है। बीजेपी नेता दलितों के घर जाकर खाना खाकर खुद को बहुत महान साबित करने में जुटे हैं। पहले योगी ने गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर जाकर खिचड़ी खाई तो फिर बाद में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी दिखावा करते नजर आए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने योगी की चुनावी खिचड़ी पर तंज कसा है। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी वो खिचड़ी खा रहे। इतने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी। कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं। कौन नहीं जानता ये बात? वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं ये वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अखिलेश ने योगी को उस खबर की भी याद दिलाई जब कुशीनगर में योगी की दलितों से मुलाकात से पहले ही वहां साबुन और शैंपू भिजवाए गए थे। अगर गरीब आज शैंपू साबुन से या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि तो जानते थे कि गरीब है, हो सकता है 2-3 दिन से न नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है, इसीलिए साबुन और शैंपू भिजवाए थे। मई 2017 में योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के मैनपुर दीनापट्टी गांव में मुसहर जाति के लोगों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात से पहले ही दलितों को साबुन और शैंपू दिए गए थे।
मुसर जाति के लोगों को कहा गया था कि नहा धोकर आएं। उस समय इस खबर पर खूब बवाल हुआ था। वैसे बवाल तो अब भी हो रहा है। बीजेपी के नेता दलितों के घर खाना खाने तो जा रहे हैं, लेकिन वो खाना उनकी प्लेट में नहीं खा रहे। डिस्पोजेबल पत्तल का इस्तेमाल हो रहा है। इस तस्वीर में देखिए, दलित के लिए स्टील का गिलास है, लेकिन सारे बीजेपी के नेताओं के लिए डिस्पोजेबल गिलास रखे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसा दलित प्रेम है। दलितों के घर खाना खाकर ये नेता क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये लोग ये बताना चाहते हैं कि देखिए दलित कितने बेकार लोग हैं, कितने खराब लोग हैं, और हम वहां जाकर खाना खा रहे हैं तो हम बहुत महान हैं, हमने कोई बहुत बड़ा सा काम कर दिया, देखिए हम सवर्ण हैं, दलितों के घर जाकर खाना खा रहे हैं, वो तो कितने खराब लोग हैं, कितने बुरी तरह से रहते हैं, कितने गरीब हैं, उनके साथ हम खाना खा रहे हैं तो हमें महानता का सर्टिफिकेट दे दीजिए, भारत में जितने भी बड़े बड़े अवार्ड है वो हमको दे दीजिए, हम देखिए कितना बड़ा काम करके आए हैं। एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का बैठकर खाना खाना क्या इतनी बड़ी बात हो जाएगी? क्या भारत में जो इस तरह के जो नेता हैं वो दलितों के यहाँ चुनावी मौसम में जो खिचड़ी खाते हैं उनके भगवा करने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो दलित हितैषी हैं, लेकिन जब वो सरकार में होते हैं, वो सत्ता में होते हैं, तो वहां दलितों की कितनी हकमारी होती है वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। यूपी में योगी राज में तमाम जो विभाग है वहां पर दलितों की हकमारी हुई, जितनी भी भर्तियां हुई वहां पर आरक्षण का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। साथ साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो दलित हैं उनके खिलाफ अपराध भी लगातार बढ़े, और जो तमाम केस हमने देखे, हाथरस का केस, उन्नाव का केस, उसे साबित हुआ कि राम राज की जिसकी बात योगी आदित्यनाथ करते हैं वहां दलितों के साथ ना इंसाफी हो रही है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह की तस्वीरों से, इस तरह के जो नौटंकी है उससे बीजेपी दलितों का वोट हासिल कर पाएगी? मुझे शक है, आपका क्या सोचना है कमेंट में लिखें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पांचवी खबर यह है कि गोली मारो का नारा लगाने वाले अनुराग ठाकुर बोले, सपा में दंगा करने वालों को टिकट मिलता है। यूपी पुलिस से हाल ही में वीआरएस लेकर राजनीति में आए आईपीएस अधिकारी अरुण असीम को भाजपा ज्वाइन कराते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार या तो जेल में होते हैं या फिर बेल पर बाहर होते हैं। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल, ये जेल बेल का खेल ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून चरंगे हुए हाथ वैसे जा रहे। अनुराग ठाकुर के इस दावे में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी विधानसभा में भाजपा के 304 विधायकों में से 106 ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर आपराधिक मामले उन पर चल रहे हैं। जहां तक भाजपा राज में गुंडों को पकड़वाने का दावा है तो उसकी सच्चाई भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में ये साफ हो जाता है कि कोई ऐसा काम हुआ नहीं है, क्योंकि एनसीआर भी 2020 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी जो है उसमें हत्या, दलित उत्पीड़न, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, मानवाधिकार हनन और हिरासत में मौत के मामले में यूपी नंबर वन है। तो भला किस तरह के राम राज्य के, किस तरह के सुशासन की बात जो है वो बीजेपी वाले कर रहे हैं। वैसे दंगा कराने में खुद अनुराग ठाकुर का नाम भी सामने आता रहता है। दिल्ली दंगों में अनुराग ठाकुर आरोपी हैं और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारों के जरिए वो खुद जहर घोलते रहे हैं। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छठी खबर ये है कि एक सपा नेता ने आत्मदाह की कोशिश की। आज लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की। ठाकुर आदित्य नाम के कार्यकर्ता ने आत्मदाह की कोशिश इसलिए की क्योंकि उसे सपा ने टिकट नहीं दिया। उसने कहा कि मैं पिछले 5 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया। और ठाकुर आदित्य जो थे जिन्होंने ये कोशिश की, उनका कहना है कि मैं अलीगढ़ 74 नंबर सीट पर पिछले 5 साल से पार्टी का काम कर रहा हूं लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं।
अब सवाल यहाँ उठता है कि भाई साहब पार्टी टिकट दे या ना दे, कोई आपको चुनाव लड़ाए या ना लड़ाए, आप निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए अगर आपने वहां पर तैयारी की है, आपके पास जनाधार है, आप अपनी जान क्यों लेना चाहते हैं नेताओं के पीछे इस तरह की, आप जो है ये क्या आपकी समझदारी है कि आप अपने ऊपर ही इस तरह के हमले की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है ख्याल रखिए अपना और इस तरह की काम ना करें। आपको अगर चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय लड़ जाइए और आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो हो सकता है जनता आपको विधायक बना दे। खैर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सातवीं खबर यह है कि यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 150 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी यूपी चुनाव में हाथ आजमा रही है। आज आपने 150 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, इसकी जानकारी यूपी प्रभारी संजय सिंह ने दी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपी में बदलाव की नई राजनीति के लिए, राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए, बेसिक मुद्दों के लिए आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर लड़ेगी। आपकी पहली सूची में ओबीसी वर्ग के 55 उम्मीदवार, अनुसूचित जाति से 31, मुस्लिम समुदाय से 14, कायस्थ 6 हैं, वैश्य समुदाय से 6 और ब्राह्मण समुदाय से 36 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। अकेली ब्राह्मण जाति के जो 36 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने दिए हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका ब्राह्मण प्रेम कितना अटूट है और वो क्या साबित करना चाहते हैं। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरी हर साल दी जाएंगी। शायद वो दिल्ली में 10 लाख सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा भी हम कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर दीजिए, यहां पर भी बहुत सारी महिलाएं 18 साल से ऊपर के उनको भी भेज लीजिए और ये पानी मुफ्त के साथ साथ 1,000 रुपए दे दीजिए। ये उनका कहना है। क्या आप इस पे सोचते हैं, ये अपनी राय लिखें। हम अपनी खबर पर आगे बढ़ते हैं। आठवीं खबर ये है कि गठबंधन को लेकर आजाद ने आज फिर एक बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने अखिलेश को बड़ा भाई माना, वो मुझे छोटा भाई कह दे तो मैं बिना शर्त के साथ चला जाऊंगा। आपको बता दें कि अखिलेश और आजाद में गठबंधन नहीं हो पाया और कल उन्होंने अखिलेश पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। रोकने के लिए हमने कदम बढ़ाया, सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें और दो दिन में निराशा हुई कि एक महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है, उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर, फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। हालांकि अखिलेश यादव अब साफ कर चुके हैं कि वो किसी को भी अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कहा जाता है कि राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। क्या होता है इस पर हमारी जो भी अपडेट होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारी नजर बनी हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नौवीं खबर ये है कि जेल से बाहर आए हैं अब्दुल्ला आजम। यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है। वो करीब 23 महीने बाद जेल से छूटने पर बाहर आए हैं और उन्होंने जो है प्रशासन पर, सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने पिता के संसदीय क्षेत्र रामपुर जाकर वो वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव जो है वो सरकार बनाम आवाम का है, यानी सीधे जनता बनाम योगी आदित्यनाथ होगा। जेल में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारी तकलीफें मिली हैं और रामपुर में उन्होंने ये अपने पिता के बारे में भी कहा कि जो मेरे वालिद हैं आजम खान, उनकी जान को भी खतरा है, उनको कुछ हुआ तो सरकार और जेल प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। आजम खान के बेटे ने आरोप लगाया कि मंडल में मौजूदा अधिकारियों के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि जो अब्दुल्ला आजम है वो अपने पिता के साथ जो है जेल में थे, उनको जो है फर्जी पहचान पत्र, पहचान जो पैन कार्ड है और जन्म प्रमाण पत्र उसको लेकर उनकी विधायकी चली गई थी और उनको जेल में डाल दिया गया था। अब वो बाहर आए हैं तो वो अपनी चुनावी कमान संभालेंगे।
करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 10वीं खबर ये है कि आरएलडी को समर्थन देंगे राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत का संगठन भारतीय किसान यूनियन, उसने ये तय कर लिया है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को समर्थन दिया जाएगा। उनकी घोषणा उन्होंने कर दी है। बीकेयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनके बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने सिशोली में लोगों को कहा कि इस गठबंधन के प्रत्याशियों को राज्य के लोग समर्थन देंगे। उन्होंने अपील की लोगों से कि भाई समर्थन दीजिए। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और सपा गठबंधन ने शनिवार को एक लिस्ट भी जारी की थी अपने उम्मीदवारों की। वो 26 सीटें उन्हें मिली हैं आरएलडी को। तो जो पश्चिमी यूपी है वहां पर यह माना जा रहा है कि जाट आंदोलन की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है, उसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको होगा और वहां पर वो वोट जा सकता है। तो पश्चिमी यूपी में इस तरह के सियासी समीकरणों का जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। तो ये थी आज की दिन भर की टॉप 10 पॉलिटिकल खबरें, जिसे हमने बिना लाग लपेट के, बिना किसी गुणा भाग के सीधे आप तक पहुंचाया और ये सवाल भी खड़े किए जो कि जरूरी हैं। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखें। आपके इलाके में क्या चल रहा है, हमारी चुनाव यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, अगर आप हमें अपने चुनावी क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें और बताएं कि वहां पर क्या कुछ सियासी समीकरण है, ताकि हम वहां कर उन स्टोरीज को कवर कर सके। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं।